हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक खजूरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन है रियल नंबर्स से है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स यहाँ पे हम लोगों को 5 नंबर्स दे रखे हैं और इन 5 नंबर्स को एक्सप्रेस करना है हम लोगों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। यही सब सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स एग्जैक्टली दो ही हैं। ठीक है, 140 को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 70। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, 35। अभी 3 से नहीं होगा, 2 से होगा ही नहीं, अब 5 पर जाते हैं। देन 5 से 7, अभी किससे डिवाइड होगा, 7 से कितने टाइम, 1 टाइम। इसका मतलब 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, करेक्ट। तो अब इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में भी, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि 5 लिखा है तो पावर 1 × 7। ठीक है, सो हम लोगों ने 140 को रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, अगेन 156 पर आते हैं। सो 156 इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 41, 68, राइट। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2, 3 = 6, 1, 18, 2, 9, राइट। अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 13, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, 2 × 2 × 3 × 13। अगेन देखिए, 2 जो प्राइम नंबर है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, अब 3, 8, 2, 5 नेक्स्ट नंबर है, राइट। 2 से होगा क्या, नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, यस 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो क्या, 1, 2, 7, 5। ठीक है, अगेन 3 से करेंगे 4 times 75, 25 times, राइट। अगेन इसको हम लोग क्या करें, 3 से हो जाएगा क्या, नहीं होगा, अब 5 से हो जाएगा, सो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 8 times then 5 times। अगेन 5 से इसको डिवाइड करें तो 17, और 17 प्राइम नंबर है तो 17 से इसको डिवाइड किया, राइट। तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग क्या, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। देखो 3 के 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2। 5 के 2 फैक्टर्स हैं अगेन, तो 5 की पावर 2 × 17। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, 5005। ठीक है, तो इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं होगा, 5 से डायरेक्टली करें, सो दिस इज 101, राइट। नेक्स्ट 5 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 से हो जाएगा, सो 143। नेक्स्ट ये 11 से होगा, 11 से किया 13, अगेन 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही होगा, राइट। सो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। इसमें तो सारे सिंगल सिंगल फैक्टर हैं, तो इसको तो फर्दर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। अगेन आते हैं 7, 4, 2, 9। सो नाउ 7, 4, 2, 9 इसको फैक्टराइज करना है, सो 7, 4, 2, 9 किसी से भी नहीं होगा, 2, 5, 7, 11, 13 तक। नेक्स्ट ये होगा कहाँ से, 17 से डिवाइड होगा, राइट। सो 4, 3, 7 अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 से होगा, 23 टाइम्स, और 23 अगेन प्राइम नंबर होगा तो 1। इसका मतलब इसको एक्सप्रेस करेंगे 17 × 19 × 23। ठीक है, सिंगल सिंगल फैक्टर है तो यही क्या है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म, राइट। सो ये हम लोगों ने एक्सप्रेस किया किसको, 140 को, ये है फॉर्म। तो ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर, ये हम लोगों का सेकंड आंसर, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाता है, ये फोर्थ पार्ट का, सिमिलरली
दैट इज द लास्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।